अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको बताएंगे एक छत पे गोट फार्मिंग कैसे की जाती है। ये हमारे सामने 3 टेढ़े बकरे हैं जिनको छत पे पाला गया है और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ में हैं। इनकी उम्र इतनी नहीं है लेकिन आप इनका वेट देख सकते हैं, इनकी आप स्किन देख सकते हैं, उनकी खूबसूरती देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। ये हमारे एक दोस्त हैं कैसर भाई, उन्होंने अपनी छत पे ही शौक किया हुआ है और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये शौक इनका कितना अच्छा है। ये देखें, आपको आज हम बताएंगे कि इसके अंदर आप किस तरह गोट फार्मिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है, आप अपनी छत पे किस तरह गोट फार्मिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से 6 माह का भी बच्चा है और इसके साथ एक ये आ गया है माशाल्लाह। देखें इनकी एक्टिव, देखें कितने हैं। तीसरा बकरा आपका ये है। आप छत के ऊपर एक इस तरह का लकड़ी का इनके नीचे फट्टा रख सकते हैं जिससे कि इनका जो जितना भी गंद और जो भी ये करते हैं नीचे चला जाएगा और इसके साथ जो है ये गंदे भी नहीं होंगे माशाल्लाह से। गर्मी हो या सर्दी हो, ये बकरे दोनों तरह के मौसम में रह सकते हैं क्योंकि इनका फर इतना नहीं होता और ना ही ये इतने ज़्यादा जो है ना बालों वाले होते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत ये बकरे हैं। और इनके लिए आप सेफ्टी के लिए कर सकते हैं कि साइडों पे आप दीवारें अपनी थोड़ी सी ऊंची कर दें क्योंकि ज़रा एक्टिव होते हैं, जंप वगैरह मार सकते हैं, गिर ना जाएँ कहीं पर, कोई चोट ना लग जाए इनको। बाकी इनकी बीमारियाँ जो इनके लिए वैक्सीनेशन जो हैं डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करके करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा शौक है जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और इसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आप एक जोड़े से जो है बच्चे लेके आगे सेल परचेज कर सकते हैं और एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये भी एक बकरा है। इन बकरों की खुराक के बारे में बात की जाए तो ये बिल्कुल दूसरे बकरों की तरह खुराक खाते हैं। इनके लिए आप सर्दियों में, गर्मियों में लूसन, शटाला और जितना भी जो फसल हो रही होती है इनकी, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इनको खिला सकते हैं। और दो बकरियों में एक बकरा आप जो है ना रख सकते हैं या 3 बकरियों में एक बकरा भी जो है ना इनफ होता है। इनकी एज की बात की जाए तो ये 1-1.5 साल के बाद जो है दोंदे हो जाते हैं और ये ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। एक बकरी अमूमन 2 बच्चे देती है, 2 से 3 भी दे देती है। ये आपकी खुराक के ऊपर डिपेंड होता है, आप देख सकते हैं कि इनकी खुराक वगैरह कैसी आपने रखनी है। साथ में आप जो है इनको सूखा चारा दे सकते हैं। और भी चीज़ें हैं बाकी, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, दूसरे क्लिप में आपको बताया जाएगा इनके बारे में, तफसील वीडियो बनाई जाएगी इनकी बीमारियों के बारे में, इनके खुराक के बारे में आपको बताया जाएगा। माशाल्लाह से ये देखें, छोटे कान होते हैं इनके और बहुत ही खूबसूरत झालर है, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं इनकी जिसामत वगैरह बहुत ही अच्छे होते हैं, ये कद इनका छोटा ही होता है, ज़्यादा बड़े नहीं होते। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।